तो गाइस पहली बात तो आप लोगों का शुक्रिया, हमारे एसएटीएल के हर एक मेंबर का शुक्रिया। बेसिकली वी वांट द कंटेंट क्रिएशन अवार्ड एंड इट ऑल गोज फॉर द कंटेंट साइड। एसएटीएल के चैनल पे कंटेंट बनाते आए हैं, नथिंग एल्स मैटर्स हियर। तो इसमें इन लोग का बहुत हाथ है, हमारे सोशल मीडिया मैनेजर, हमारे बिहाइंड द सीन स्क्रिप्ट राइटर, सब लोग जिन्होंने इस चीज को पॉसिबल किया। तो यार थैंक यू एवरीवन। एंड यार मैं अभी देख रहा था कुछ ट्विटर पे चालू हुआ नया एजेंडा की वैलो टीम, एंड देन पहली बात तो यार स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने के बाद ये चीजें आ रही है। तो पहली बात तो थैंक यू जिन लोगों ने हमें इस लायक समझा कि हम लोग काबिलियत रखते हैं वैलोरेंट के लिए भी कुछ करने का, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज टीम बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं और कल को वही लोग हमें गाली देंगे जब हमारी टीम या एक्स वाई ज़ेड कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि ये चीज पे ज्यादा आप लोग ध्यान ना दें। वी आर नॉट कमिंग इन टू वैलोरेंट सीन एनी सून, क्योंकि इस अवार्ड से वैलोरेंट रहने ना रहने का कोई लेना देना नहीं है। एक दो लोग ऐसे थे जो कर रहे थे कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में, जितना इन्वेस्ट हमने शायद इकोसिस्टम में किया है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट उतना बहुत कम लोगों ने किया है। बाकी विरासत का पैसा या बैंक का पैसा या इन्वेस्टर्स का पैसा लगाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव बिल्ट सो फार, एंड विद ऑल द गुडनेस कम्स लॉट ऑफ क्रिटिक्स टू। देन देयर इज अ न्यू नैरेटिव बीइंग बिल्ट अबाउट थग कि लोगों का 200 करोड़ रुपए खा गए या लोगों को बैंकक्रप्ट कर दिया। पहली बात तो लोगों ने कोई बैंकक्रप्सी नहीं फाइल करी है, लोगों ने जस्ट लेड ऑफ इट्स क्रिएटर, प्रॉबली बिकॉज उनके पास ओवर स्टाफ था अबाउट फॉर व्हाट दे आर डूइंग। आर पार्टनरशिप विद लोको माइट बिगिन सून। तो ये जो गंदी सोच के लोग हैं इनके नैरेटिव्स के चक्रों में ना पड़े। अरे 200 करोड़ का अगर 10% भी हम लोग ले लेते खा लेते ना लोगों का तो मैं और पूछी तो अभी ब्राजील में शैक खुल के बैठा था क्यों पूछी अगर मेरे पास एथिकली 6-7 करोड़ रुपए आते तो मैं तो पूछी को लेके चल देता थाईलैंड या ब्राजील क्यों।